हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि क्या ये फाइल आपके डॉक्यूमेंट्स को पानी में जाने पर खराब होने से बचा पाएगी। तो नॉर्मली हम इस फाइल का उपयोग अपने डॉक्यूमेंट रखने के लिए करते हैं। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? तो मेरे साथ कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था कि मेरी फाइल चली गई थी पानी में, और फिर क्या हुआ था वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये फाइल बचा पाएगी पानी में डॉक्यूमेंट्स को गीला होने से या खराब कर देगी पूरी तरह। तो देखिए, मैंने हर एक उसमें एक पन्ना डाल दिया है, आप देख सकते हैं। देखिए, हर एक में कोई ना कोई पन्ना है, तो इससे हम देख पाएंगे। और लास्ट में मैंने दो तीन पन्ने साथ डाल दिए बिल्कुल। और एक देखिए इसमें भी डाला है ताकि इसमें पता चले कि इसमें पानी गया कि नहीं गया। और एक पन्ना हम ऊपर से डालेंगे, तो एक पन्ना डालेंगे हम खाली। तो पहले हम नॉर्मली पानी डालेंगे, जैसे कि हम पे कभी कभी गिर जाता है गलती से। तो हम पहले डालेंगे इस बोतल से पानी और देखते हैं क्या इसके डॉक्यूमेंट्स गीले होते हैं या नहीं। ये देखिए, ये रहा हमारा टब भरा हुआ पानी का लबालब। इसमें कम से कम 30 लीटर पानी हुआ। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? तो देखिए, हम डाल रहे हैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी। डॉक्यूमेंट्स है मेरे, हम देखने वाले हैं अभी क्या है। ऐसा पानी क्या हम पर नॉर्मली गिर जाता है कभी कभार, हम देखने वाले हैं कि गीले होते हैं या नहीं होते हैं। तो देखिए, हम पे ऐसे ही पानी गिर जाता है कभी कभार, और फिर हम बाद में पूरी डुबो का टेस्ट करेंगे। तो देखिए, अब हम इस पर पानी डाल चुके हैं पूरी तरीके से। तो अब देखते हैं गीले हुए हैं कि नहीं हुए हैं। आपने देखा ही होगा कि हमने साथ से पूरे पूरे पानी डाला है ताकि अंदर गीले हो जाए डॉक्यूमेंट्स। देखते हैं गीले हुए हैं कि नहीं हुए हैं। हाँ, गीले तो मतलब हुए हैं, पर थोड़े बहुत हुए हैं। ये देखिए, ये हुआ थोड़ा बहुत साइड से, पानी जाएगा तो ऊपर से जाएगा। तो एक ही तरीका है ट्राई करने का कि हम इसको सीधे सीधे डुबो दें, देखते हैं कि क्या होता है। ये देखिए, ये रहा मेरा आधार कार्ड जो कि बहुत फनी है। देखिए, ये रही मेरी मार्कशीट जिसमें मेरे 500 में से 335 नंबर आए थे। तो इस बार डायरेक्ट डुबो देंगे हम इसको चैन को बंद कर। तो देखिए, हम डुबो रहे हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो हम एक मिनट के लिए डुबो कर रखेंगे। तो आप देख सकते हैं, मैंने देखिए डुबो दिया और देखिए कैसे बबूले से आ रहे हैं उसके अंदर। तो देखते हैं कि क्या ये फाइल हमारे डॉक्यूमेंट्स को बचा पाएगी या नहीं। अब इसमें अगर पानी जाना होगा और गीला होना होगा तो बिल्कुल हो जाएगी, बेशक हो जाएगी। और अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखते रहिए, स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखिए, अभी हम बुलबुल उठे हैं, पानी जा रहा है इसके अंदर लगातार। तो दोस्तों देखिए, हमारा एक मिनट हो चुका है। तो अब हम निकाल कर चेक करते हैं कि इसमें पानी भरा है या नहीं। बहुत ख़तरनाक एक्सपेरिमेंट है डॉक्यूमेंट्स के साथ, कोई नहीं करेगा पर मैंने किया है। ये देखिए फाइल हमारी बिल्कुल नई हो गया, आई है, आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स। वैसे मुझे लगता नहीं कि गीले हुए होंगे क्योंकि इसको स्पेस उतना मिला नहीं है, क्योंकि पानी जाने के लिए अंदर भी तो स्पेस होना चाहिए पन्नी के अंदर, वो इसको मिला नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स की हालत, ये देखिए पूरा गीला हो चुका है ये वाला। तो मुझे लगा था कि ये एक ही पेज है, पर ये दो पेज थे, ये दोनों गीले हो चुके हैं पूरी तरीके से। ये देखिए, ये हाँ गीला, ये बिल्कुल गीला हो गया। ये देखिए, बाकी इसके अंदर पानी तो गया है, ये देख सकते हैं आप। बाकी ये बिल्कुल सूखा हुआ है, बिल्कुल सूखा हुआ था बस। ये देखिए, ये पानी भी जो लगा ऊपर से वो मेरे हाथ से लगा है, बाकी बिल्कुल सूखा हुआ था। ये नीचे से पता नहीं कहाँ से गीला हो गया, बाकी कहीं से गीला भी नहीं था, ये साथ साथ से गीला था बस, यहाँ से और यहाँ से तो बिल्कुल है ही नहीं। देखिए, ये रही मेरी मार्कशीट जिसमें मेरे साथ 12th में 67% बने थे, और ये आज इस काम में आ रही है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये भी बिल्कुल गीला नहीं हुआ, ये देखिए ऊपर ऊपर से हुआ है जहाँ से पानी जाता है, क्योंकि खुलती यहीं से है, बाकी बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ है। तो पहले मैं निकाल लेता हूँ एक बार, पहले मैं अपने हाथ पोंछ लेता हूँ क्योंकि हाथ गीले हैं। ये भी बिल्कुल सूखा हुआ है, पहले मैं निकाल लेता हूँ फिर बताऊँगा आपको। तो पहले मैं क्या ऊपर का पानी मोछ लेता हूँ, इससे क्या होगा ना हाथ गीले नहीं होंगे, हाथ गीले हो रहे हैं। वो गीला भी नहीं होगा ना तो वो गीला लगेगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा गीला है, ये देखिए पीछे और आगे सबसे ज़्यादा गीला था, बाकी और कहीं नहीं था। तो दोस्तों देखिए, हमारा देखिए पिछले सबसे पीछे वाला पन्ना है जो कि थोड़ा बहुत गीला हो गया है, बाकी अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक भी पन्ना गीला नहीं हुआ है। ये देखिए, इसके पहले वाला, इसको पहले वाला, ये सब पीछे से बता रहा हूँ मैं आपको गिनती। देखिए, ये देखिए सारे के सारे सूखे पन्ने हैं बिल्कुल ही,
एक भी गीला नहीं है, एक भी। ये देखिए, ये भी थोड़ा बहुत गीला हुआ है कुन्नू कुन्नू से, हो सकता है थोड़ा बहुत फटी हो साइड से, इस वजह से गीला, वरना ये भी गीला नहीं होता। ये देखिए, ये दोनों भी सूखे हैं बिल्कुल ही, और ये भी सूखा है, ये भी सूखा है, ये भी थोड़ा साइड से हुआ बस, बाकी ये भी सूखा है, ये भी सूखा है, और मार्कशीट थोड़ी बहुत गीली हुई है यहाँ से बस। बाकी देखिए शुरुआत वाला पन्ना, ये भी साठ साठ से गीला हुआ था और कहीं से हुआ नहीं है बिल्कुल। और जो हमारे सबसे आगे रखे हुए थे, मतलब यहाँ पर जो रखा हुआ था, ये देखिए बिल्कुल गीला हो चुका है। बाकी ये देखिए, ये दोनों जो सबसे आगे रखे हुए थे उसमें भी ये वाला गीला हुआ है, ये नहीं हुआ, ये बीच में से नहीं हुआ। समझ सकते हैं कि फाइल के अंदर स्पेस नहीं था इसलिए गीले नहीं हुए। मतलब ये फाइल आपके डॉक्यूमेंट्स को 100% स्वच्छ देती है, एक तरीके से पानी से भी, और आपको ढूंढने में भी आसानी हो जाती है। तो कभी भी अगर पानी डूब जाए तो चिंता मत करना, क्योंकि गीले नहीं होंगे।